किशोर तिवारी को लाइए जरा। किशोर तिवारी, किशोर जी सुन रहे हैं? हाँ जरूर जरूर। किशोर जी, आदित्य ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या महाविकास अघाड़ी छोड़ सकते हैं क्या, और आपकी क्या राय है, क्या इस मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी छोड़ देना चाहिए क्या उद्धव ठाकरे को? नहीं, ये देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी की हम जो कांग्रेस से मिले हैं, तो देश में जो प्रजातंत्र खतरे में आया है उसके खिलाफ हमारी जंग चल रही है। अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है? मोदी जी को सत्ता से दूर रखना, और जिसकी जहां जितनी ताकत है उसने अपनी ताकत बताना। लेकिन एक बात आपने गंभीर कर दी, अभी मैं बता रहा हूं कि सावरकर जी पे जो टिप्पणी आ रही है उससे मेरे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम उससे सहमत नहीं है और उसकी भर्त्सना भी करते हैं। और हमारे जो प्रमुख प्रवक्ता है संजय राउत, उन्होंने ये भी बात बता दी कि ये बात बहुत दूर तक जाएगी। कांग्रेस ने कम से कम विवादित मुद्दों को उछालकर क्या गेन किया मुझे मालूम नहीं। एक बात मैं बताऊं कि अभी क्या विषय है कि सावरकर के बारे में राहुल गांधी की ये धारणा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में सावरकर पूजनीय है, सावरकर पर भाजपा ने 8 साल में अन्याय किया है, भाजपा ने उन्हें भारत रत्न दिया नहीं है, हमारे लिए वो पूजनीय है। और स्वतंत्र संग्राम में आगरकर, तिलक, अरविंदो और सावरकर ये एक रैंक से आते हैं, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक नेता थे जो समर्पक, जिसे मुझे बताइए दो बार की कालापानी की सजा, उसके बाद जेल में रहना 11 साल, और मुझे बताइए अभी वो जिंदे भी नहीं है, उन पर विवाद किया जाना। और इंदिरा जी ने जो कहा था उनकी मृत्यु के पश्चात, और उन्होंने पर्सनल अपने अकाउंट से 25,000 का चेक दिया था कि ये भारत के सपूत थे जिन्हें पूरे परिवार ने त्याग किया। और राहुल जी को क्या बताना चाहते थे मुझे मालूम नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा टारगेट मोदी जी को हटाना यह है, और इसके वजह से अभी हम राहुल जी को, तो मैं अभी शेगांव के बाद समझा दूंगा कि कितने समग्र व्यक्तित्व रखने वाले स्वातंत्र वीर सावरकर थे, लेकिन एमवीए में दरार, फंस गए उद्धव ठाकरे, ये सब चीजें बहुत मानक पुरानी हो गई है। अभी हमको तो हमारी जो पार्टी तोड़ के ले गए, अभी हमारे 40 MLA चुरा के ले गए, और जिन्होंने हमारे को पीठ में खंजीर खुपस के हमारी सरकार गिराई, उनका हिसाब करने की समय आ चुका है। ओके।